नाजरीन, आप की पसंदीदगी का हमें पता चल रहा है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय हमें देते रहें, इसी तरह हमें आपकी सजेशंस से बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छे ख्यालात और अच्छे नज़रियात मिल जाते हैं। आज भी आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से जिनसे मिलकर आपको यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे अहम बात यह कि ये एज़ाज़ है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बाइस फ़ख्र है कि ये वाहिद वो खातून है जो पाकिस्तान की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की हेड है। ऐसा इससे पहले सरबराह की हैसियत से या मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से कोई और खातून ये एजाज़ हासिल नहीं कर सकी। अब बाद में बहुत सारी खवातीन आई, लेकिन पहली खातून यही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, बहुत शुक्रिया। और बड़े कारनामे हैं आपके और बड़े ज़बरदस्त कस्म की आपकी शख्सियत है। ये जो इतने बड़े बड़े काम कर लिए हैं ज़िंदगी में, क्या बचपन से ऐसी थी? नहीं, मेरे ख़्याल में बचपन में तो मैं काफ़ी शरीर होती थी। अच्छा। और वैसे मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का भी, लेकिन मेरे ख़्याल में खेल कूदने का ज़्यादा शौक़ था। ज़्यादा शौक जी। कितने बहन भाई थे? हम थे 7 बहन भाई। अच्छा, कौन सा नंबर? मेरा था 6ठा नंबर। अच्छा। और मुझसे बड़े एक भाई थे, मुजाहिद उनका नाम था, वो मेरे हीरो थे और मेरे लीडर थे। ज़बरदस्त। और उनकी मैं बस सारी उनकी बातें मानती थी, उनके कहने मानती थी। अच्छा। और वो भी बहुत शरीफ थे। अच्छा, इसी तो उनकी शरारतों में मैं बराबरी से शामिल रहती थी। तो क्या शरारतें, कोई यादगार शरारत जो बचपन में की है? वैसे शरारतें तो बहुत किए हैं हम लोग। दरख्त पे चढ़ जाते थे। अच्छा। वहाँ से नीचे से कोई गुजरता था तो वो ऊपर से दरख्त के चीज़ें फेंकते थे, निम्बोली उसमें होती थी वो। अच्छा, नीम के पेड़ पे चढ़े हैं तो ठीक है। मेरे ख्याल में मुझ में वो बहुत था कि कोई अगर मुझे किसी बात का चैलेंज करे तो वो मैं ज़रूर करूँ। अच्छा। तो एक दफ़ा हम लोग खेल रहे थे अपने कज़न के घर पर, तो वहाँ उनके घर में एक छज्जा था और छज्जे के ऊपर छत थी। ठीक है। तो मेरे भाई ने मुझे मजाक उड़ाया कि डरपोक, तुम तो वहाँ छज्जे से कूद भी नहीं सकती हो। अच्छा, ठीक है। तो बस वो मेरे लिए वो तो बात हो गई कि अब तो भाई को वो मुझे बता रहे हैं। सही। तो मैंने देखा एक खंबा सा था, तो ऊपर से मैं चढ़ गई, छत पे पहुँच गई। अच्छा। चढ़ के एक मंजिल का घर था। सही। तो वहाँ छत पे से फिर मैं प्लानिंग करती रही कि अब कैसे कूद, कैसे कूद। छत से नीचे, शुक्र है कि वो था लॉन, कि अब कैसे। तो अब मेरे भाई ने मेरी शक्ल देखी कि मैं तो सीरियसली प्लान कर रही हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, उतर जाओ, नीचे आ जाओ, पागल हो गई हो, ऊपर चढ़ गई हो, नीचे आओ। डांटने लगे मुझे। सही। लेकिन जब तक मैं तो अपना प्लान बना लिया था, सोच चुकी थी। बिल्कुल ठीक। तो मैंने सोचा कि छत से अगर मैं छज्जे पे कूदूंगी तो उससे जरा आधा रास्ता तो हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही। और सोच के छलांग मार दी। ओहो। तो शुक्र है कि छज्जे पे खड़ी हो गई। ये अच्छा। नहीं हुआ कि वहां से गिरी नहीं, डगमगा के खड़ी हो गई। ठीक है, ठीक। वहां से फिर घास पे आ गई। घास पे। खैर, बहुत डांटे पड़ी। शुक्र है टांगे वांगे नहीं टूटी। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत चैलेंजिंग पर्सनैलिटी है, इनके मिजाज में शामिल है। अच्छा, आपने चैलेंजिंग स्टाइल में ही अपने इदारे को भी लेके चली। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को पाकिस्तान में आपने जिस तरह प्रमोट किया और जितना काम किया, वो एक बहुत बड़ा अदब के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को जानते ही नहीं कि ये सारी काविशें, इनके पीछे कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो एक ख्याल आया कि इस तरह का काम करना है, संजीदा काम है, और थोड़ा सा तालीम की तरफ हमारे यहाँ लोग कम मुतवज्जे होते, ये कैसे आया जहन? वो असल में एक तो ये था कि मुझे बचपन में एक किताबें की एक पूरी एक समझी सीरीज थी, नैन्सी ड्रू बुक्स। ठीक है। वो मुझे मेरी बड़ी बहन ने मुझे वो किताबें एक लाके दी। सही। तो वो मैंने ऐसी उतरे दिल से पढ़नी शुरू की, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया, दिलचस्पी पैदा हुई। जी हाँ, ठीक। वो मैंने पढ़ के फिर मैंने पूरी उनकी सीरीज थी, सारी किताबें पढ़ डाली। अच्छा। नैन्सी ड्रू की। ठीक। उसके बाद तो समझिए कि मैं बस किताबों का शौक हो गया, बुकवर्म हो गए। और मैं चाहती, अब मैं यही समझती हूँ कि यही तरीका है कि किसी तरह बच्चों को इसी मोटिवेट तरह करना मोटिवेट, है उनको। ठीक। एक दो अच्छी किताबें उनको दे दें। सही। तो वो फिर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं।
उसके बाद वैसे हमारे घर में भी इसका बहुत माहौल था. मेरी वालदा थी वो भी शायरा थी, शेर लिखती थी, और बल्कि उनकी किताब भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी. अच्छा. और मेरी खाला कुरतुलैन हैदर थी. अच्छा. उर्दू अदब में बड़ा नाम है उनका, कुरतुलैन. जी जी. आग का दरिया. आग का दरिया. जी हाँ. आखिर शब के हम सफर. बिल्कुल. क्या खूबसूरत शाहकार है उनके. जी जी. बिल्कुल. वो आपकी खाला थी, वालदा की कजन. कजन. जबरदस्त. मतलब ये आपकी जीन्स में शामिल है, तालीम, अदब, लिटरेचर. मेरा ख्याल बस शौक तो था. यकीनन शौक था. और घर में भी वही माहौल था. सही. मेरे वालिद को भी बहुत शौक था, बहुत पढ़ते रहते थे किताबें. सही. और उर्दू की, अंग्रेजी की दोनों, बल्कि वो उनको हिंदी भी आती थी. अच्छा. लेकिन हिंदी फिर उन्हें छोड़ दी थी, उर्दू अंग्रेजी की तो बहुत पढ़ते थे. खास तौर पर उनको जो शौक था वो डिकेंस का. अच्छा. और डिकेंस के पिक पेपर्स वो पढ़ते थे और लाइनें बनाते थे जो. अच्छा. उनको जुमले अच्छे लगते थे, जुमले जो है अंडरलाइन करते जाते होंगे. जबरदस्त. ये तो मेरा ख्याल है कि एक तरबियत है जो एक शख्सियत बन के आती है सामने, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होता है. जी, घर का माहौल होता है, वालदैन की तरबियत होती है. अच्छा, एकेडमिक कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत बुरी भी नहीं. एवरेज स्टूडेंट. एवरेज. ठीक है. एवरेज थी, लेकिन मैं अपना जो काम था, जो भी था, वो अपना कर लेती थी, गुजारा कर लेती थी. मतलब एक दरमियाने दर्जे का जो एक. जी हाँ. स्टूडेंट होता स्कूल है में. ठीक है. तो चूंकि और ग्रामर और से बहुत आप इंटरेस्ट हो गए थे पाकिस्तान में, तो कराची ग्रामर से आप. जी हाँ, पाकिस्तान में कराची ग्रामर स्कूल में थी मैं. उससे पहले मेरे वालिद फॉरेन ऑफिस में थे, तो वो न्यूयॉर्क में उनकी थे तहनियात, तो वहाँ मैंने पढ़ा. सही. पब्लिक स्कूल नंबर 17. अच्छा. बल्कि मैं मजाक करती हूँ कि और लोग जो स्कूल जाते हैं उनके नाम होते हैं, मेरे स्कूल का नंबर था. तभी आप नंबर वन करने शुरू कर दिए काम. ठीक है. उसके बाद आपने कराची यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की. जी जी. और फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने वो किया था एडवांस मैनेजमेंट कोर्स. तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स तो माशाल्लाह जबरदस्त है. बस वो वहीं सीखा. फिर एक और वहाँ एशरेज एक वो था मैनेजमेंट का, वहाँ से एक और कोर्स किया था वो. ठीक है. तो लेकिन मैनेजमेंट तो ठीक है, इन कोर्सेज से तो काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन करके भी सीखना पड़ता है. सीखना पड़ता है. अच्छा, बचपन तो आपका शरारती था, लेकिन आप हैं बहुत खूबसूरत माशाल्लाह. अभी भी आपकी बड़ी ब्यूटी है, तो जवानी में तो और ज्यादा खूबसूरत होंगी. जरा जवानी की बातें करेंगे. तो आपकी बिल्कुल जवानी की भी बातें होंगी, थोड़ी सी टीनेज की बातें होंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद. ठीक है. हम लोग की मुलाकात हुई मरी में. अच्छा. खूबसूरत माहौल. मैंने कोई नखरे नहीं किया. ये तो बड़ा कारनामा है आमिर साहब का कि आप फौरन मान गए. मैं भूख हड़ताल तक नौबत नहीं पहुंची. ठीक है. खुशामदीद. प्रोग्राम में हमारे पास इस वक्त बहुत ही कीमती एक मेहमान मौजूद हैं, अमीना सैयद, और हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी करियर के हवाले से, बचपन के हवाले से, टीनेज के हवाले से. टीनेज में कैसी थी, वही नॉटी रही या थोड़ी सी कोई संजीदगी आ गई थी? नहीं, मेरे ख्याल में टीनेज में भी मुझे बस इसका बहुत शौक होता था कि गेम्स में टॉम बॉय टाइप की थी. बिल्कुल. इतनी टॉम बॉय थी मैं कि बल्कि अगर मुझे कोई मेरे दोस्त के वालदैन अगर कहीं आउटिंग पे ले जा रहे हैं या कोई मेरे रिश्तेदार आउटिंग, तो मेरे वालदैन उनसे कहते थे कि जरा मुझे मुन्नी कहते थे. अच्छा. कि मुन्नी का आप पे जरा निगाह रखना, ध्यान रखना. ठीक है. ये कहीं उलट सुलट कोई एक दफ़ा कोई मुझे स्विमिंग ले गया था. अच्छा. तो वहाँ फिर वही बात हुई कि किसी ने मुझसे कहा जो डाइविंग बोर्ड था कि सबसे ऊपर वाले डाइविंग बोर्ड से, तो करी मैंने कहा कर सकते. एक चैलेंज आ गया. फिर चढ़ गई वहाँ ऊपर डाइविंग बोर्ड पे, वहाँ से छलांग मार दी. सबसे हाईएस्ट डाइविंग. और आता स्विमिंग आती थी लेकिन डाइविंग नहीं आती थी. डाइविंग भी एक अपनी टेक्निक है. तो ऊपर से छलांग मारी, मैं समझी कि हो जाएगा काम. चल नीचे जो मैं पानी में गिरी तो पेट के बल ऐसी चोट लगी. जोरदार चोट लगी होगी. बिल्कुल. लेकिन फिर भूल गई और फिर वही हरकतें. फिर वही हरकतें. वो आपकी एक फितरत में शामिल है. जी हाँ, मेरे ख्याल में. हर काम करने का अज़्म है. अच्छा, तो ये बताएं, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो?
मेरे ख्याल में नहीं, चूंकि हमने खुद ही फैसला किया था आमिर जो मैंने शादी करने का, तो लव मैरिज ही समझी। लव मैरिज कहाँ मुलाकात हुई? असल में बहुत वैसे तो मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है, आई वुड से सेकंड कजन। ठीक है, हम लोग की मुलाकात हुई मरी में। अच्छा, खूबसूरत माहौल में। माहौल ही इतना रोमांटिक था मेरे ख्याल है, उसका भी बड़ा एक एड ऑन हो गई मामला। बस वहाँ मौके बहुत मिल गए घूमने फिरने के, सैर करने के। सही। और लेकिन बस दोस्ती हो गई, कुछ ये एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह होता रहा। उसके फिर उसके बाद शादी हो गई। उसके बाद शादी हो गई। इतनी आसानी से जो आप मुख्तसरन बता रही, ये दास्तान इतनी मुख्तसर है नहीं वैसे। अच्छा, तो प्रपोज कैसे किया आमिर साहब ने आपको, बता? ये तो जरा सोचना पड़ेगा, याद नहीं, अब पुरानी हो गई बात। मेरे ख्याल में बस मुझे अल्फाज तो नहीं याद। ठीक है, लेकिन जाहिर है शादी का जिक्र किया और पसंदीदगी का इजहार किया। जी हाँ, और यही कहा कि हम इतने आपस में, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है जो हम शेयर करते हैं, यही सारी बात होता है। ठीक है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आई फैमिली से। लेकिन जो बात मुझे याद है वो ये था कि मैं फौरन मान गई। मैंने कोई नखरे नहीं किए। ये तो बड़ा कारनामा है आमिर साहब का कि आप फौरन मान गए, इतनी चैलेंजिंग लेडी। बिल्कुल सही। बाद में मैंने देखा कि नहीं, ये तरीका नहीं है, जरा थोड़े बहुत नखरे दिखाने चाहिए। लेकिन मुझे आता ही नहीं था। अच्छा, वो आप बहुत प्रैक्टिकल थी तो आपको नखरे वखरे आते नहीं थे। हाँ, या डिसाइसिव थी। हाँ, या ये जो भी वजह मैं अभी हूँ, फौरन फैसला कर लेती हूँ। ठीक है, सही। तो कोई रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से नहीं आया इस रिलेशन? थोड़ी बहुत हुई थी। ठीक है, मेरी वालदा, कोई भूख हड़ताल तो नहीं करनी पड़ी? नहीं नहीं, वो नहीं बस फिर ठीक है। मैं भूख हड़ताल तक नौबत नहीं पहुंची। ठीक है, ठीक है, तो बाकी सब राजी हो गए फिर? जी हाँ, हाँ हो गए थे फिर, हो गए थे। फिर जिंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुजर रही है। तीन बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल। और बहुत खुशगवार अच्छी जिंदगी। आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, आपका वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो मैनेज कर पाती हैं घर को और दीगर मामलात को? जी हाँ, अब तो खैर, अब तो आसान हो गया है क्योंकि माशाल्लाह बच्चे अब जवान हैं। जी जी, लेकिन मगर आप तो करियर तो आपका कोई 25-30 साल से आप फील्ड में हैं और काम कर रही हैं। होता ये था कि जब बच्चे मेरे छोटे थे तो उस वक्त मुझे, मैं अब भी यही करती हूँ कि मैंने ये नहीं सोचा था कि देखिए ये मेरा काम का वक्त है, ये घर का वक्त है, इनको बिल्कुल अलग कर लो, इस तरह अच्छा। मैंने नहीं सोचा था। मैं ये सोचती थी कि, और मेरा तरीका भी ये था कि दोनों ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ये भी मेरी जिंदगी है और घर का वो भी जिंदगी है, तो दोनों एक है। हाँ। और ओवरलैप करेंगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, प्रायोरिटीज होंगी टाइमली। जी हाँ, अगर मुझे मेरे कोई बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पे रह जाती हूँ, प्रायोरिटी बदल जाएगी उसी वक्त। या अगर मुझे कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, शाम को करनी है या वीकेंड पे करनी है, वो भी मैं करती थी। करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती थी कि ये मेरे घर का वक्त है। सही। तो इस तरह मुझे लगता है कि गाड़ी बड़ी अच्छी तरह चली। क्योंकि देखिए, अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप काम पे जाकर आप काम नहीं कर सकते, क्वालिटी वर्क नहीं आएगा। जी हाँ, वो समझिए, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सके, कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं घर पे रह जाती थी। सही, जबरदस्त। ये बड़ी मैनेजमेंट क्वालिटीज इनमें बहुत हैं, और ये एक बहुत ही कामयाब शख्सियत के लिए मैं समझती हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं कि पता करें कि क्या मामलात हैं, वो कौन से उसूल हैं, उसूल कुछ भी नहीं होते, बस ज़िंदगी को मैनेज करना है, अच्छे तरीके पर करना है और ज़रा सोच समझ के करना है। अच्छा, बच्चों के हवाले से भी थोड़ा सा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जी, और जी। मैं चाहूँगी कि हम बच्चों को ज्वाइन भी करें, जो जो इस वक्त मौजूद हों फैमिली के लोग। जी जी। बहुत सारे बातें होंगी, बहुत सारी मज़ेदार गुफ्तगू होगी, और फैमिली को भी हम डिस्कस करेंगे और आपकी मुलाकात भी कराएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। चचा मामू तो सारे नहीं सुधर सकते ना, वो तो अपनी मर्जी से जिएंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद, और साथ में सरप्राइजिंग बात यह है कि हमने रिक्वेस्ट की है, बेटी भी मौजूद हैं शेमा सैयद, और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। जितनी बहादुर और बहुत ही टैलेंटेड माँ हैं, वैसी ही बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और आपका टैलेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कथक डांसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा आपकी फील्ड है, और काम भी करती हैं। जी हाँ, जी हाँ। कैसे इंस्पिरेशन कहाँ से ली ये सारी? ये असल में जब मैं लाहौर में, जब हम लोग लाहौर में रहते थे तो अम्मा मुझे ले गई थी जब मैं 6 साल की थी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ लाहौर आर्ट्स काउंसिल में भर्ती किया था। ठीक है। महाराज गुलाम हुसैन सिखाते थे वहाँ। ठीक है। तो उनकी शागिर्दी में मैंने सीखा। और ये बस फिर मुझे इतना मुझे उससे दिलचस्पी हो गई थी कि, और इतना प्यार मोहब्बत से सिखाते थे, ना सिर्फ महाराज बल्कि उनके साथ ये सारे जो बड़े नाम हैं, निगत चौधरी, फसी रहमान, नाहिद सदीकी, ये भी उस जमाने में महाराज के, जाहिर है उनके शागिर्द हैं सारे। तो उन सब से ये मेरी खुशकिस्मत यह है कि सही उन सब से वास्ता रहा। अच्छा, अम्मा कैसी हैं बहैसियत एक मदर के? कैसी हैं, डांटती हैं? बचपन में कैसे ट्रीट करती थी? नहीं, डांटती तो बहुत कम थी। अच्छा। और इनकरेज बहुत करती थी। ठीक है। अब जैसे डांस के लिए ले जाती थी और घंटों 2-2.5 घंटे बैठी रहती थी, किताब पढ़ती रहती थी। अच्छा। तो किताब की वजह से मैं वक्त कभी डांस के लिए ले जा रही है, कभी गाने के लिए। बहुत केयरिंग मदर रही हैं। हाँ। अच्छा, किस बात पे गुस्सा करती हैं सबसे ज्यादा? इन्हें गुस्सा किस बात पे आता है, और अभी भी जिस बात पे आता हो गुस्सा? ये वैसे काफी ठंडे दिमाग की है। अच्छा। इनको गुस्सा नहीं आता, मतलब गुस्सा इस तरह गुस्से के तौर पे जाहिर नहीं करती। अच्छा, कैसे पता चलता है अम्मा को गुस्सा आया हुआ है या ये चीज नापसंदीदा है? कोई बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है? एक्सप्रेशन आते हैं? खाना छोड़ देती हैं? क्या करती हैं आखिर? कुछ तो करती होंगी। बस यही कमरा बंद करके बैठ जाती हैं, कुछ ऐसा करती हैं? नहीं, इस तरह की हरकतें तो मैं करती हूँ। सही है, ठीक है। लेकिन ये सख्ती से मना कर, यू नो, अपने सख्ती यानी कि बस कह देती हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जरा सा, क्योंकि कभी कभी कहती हैं, ज़्यादा नहीं कहती, तो असर होता है। असर होता है। अच्छा अमीना जी, ये बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, क्या आप समझती हैं, माओं को बताना चाहेंगी कि कामयाबी के क्या वजह है कि बच्चे माशाल्लाह आपके साथ ही, छोटी बेटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा अपनी फील्ड में काम कर रही है, बेटा भी आपका बहुत कामयाब जिंदगी है, प्रोफेशनली बहुत अच्छे अपने अपने टास्क लिए हुए हैं और उन्हें अचीव भी कर चुके हैं, तो क्या माओं को क्या करना चाहिए, क्या तरबियत देनी चाहिए कि बच्चे बहुत अच्छे और बड़े सुलझे हुए हों? मेरे ख्याल में मैं इसकी कायल नहीं हूँ कि बच्चों को नसीहत करें या अच्छा। बच्चों को डांट डपट करें या रोक टोक। मेरा ये रहा है और ख्याल मेरा यही है अब भी है कि आप बच्चों को जो भी सिखाना चाहती हैं वो खुद करके सिखाएं। अच्छा। अगर जैसे और मेरे बच्चों को भी बहुत पढ़ने का शौक है, तो ये नहीं कि मैंने उनसे कहा कि किताब पढ़ो अच्छी बात है या जरूरी है कि तुम पढ़ो, और खुद नहीं पढ़ी वो, मुझे देखकर देखा देखी में वो भी। तो मेरे ख्याल में इसी तरह तरबियत मतलब होती खुद है, रोल मॉडल बनना जरूरी माँ बाप को। जी हाँ, ठीक है। और ना सिर्फ माँ बाप बल्कि पूरा खानदान, मतलब ये उनके ननिहाल ददिहाल सबको देखकर फिर उनकी तरबियत होती है। सही सही। लेकिन सबको तो नहीं सुधार सकते, माँ बाप ही कर सकते। बच्चा मामू तो सारे नहीं सुधर सकते ना, वो तो अपनी मर्जी से जिएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहली जो प्राइमरी रूट्स जो है वो पेरेंट्स ही हैं, उन्हीं पे बात होगी। बिल्कुल, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। अगर वो ना सिखाए भी नहीं फिर भी सीख लेंगे देखकर, फिर भी देखकर सीख लेंगे। तो आप समझती हैं कि यही आपका एक कामयाबी का यही एक की पॉइंट रहा जो आज माशाल्लाह बच्चे कामयाब हैं और अपनी अपनी जिंदगी में अपने करियर में अच्छे हैं। जी माशाल्लाह। तंग करती थी ये? किस चीज पे तंग करती थी? शेमा? हाँ, शेमा। नहीं, असल में जो शेमा अभी कह रही है कि मैं डांटती नहीं थी, नौबत ही नहीं आती थी। अच्छा, ये इतनी फर्माबरदार थी। वही बात, जबरदस्त। तो आपको नौबत ही नहीं आई? जी, अब जैसे मैं डांस के उसमें ले जाती थी, वो उसमें बहुत शौक से शेमा ने डांस किया। ठीक है। फिर वहाँ से वही आर्ट्स काउंसिल में गाने की भी क्लासेस होती थी, गजल की। सही। बिल्कुल जिद नहीं की कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना या नहीं सीखना, बड़े शौक से जाके।
अच्छा, गजलें भी सीखी, डांस भी सीखा, उसके बाद फिर खुद ही उसमें कंटिन्यू किया। सही। बल्कि जो शहरबानों को भी मैंने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, जैसी शहरबानों की उम्र हुई मैंने उसके लिए भी उस्ताद रख दिए म्यूजिक। अच्छा। के दो चार दिन उसने किया के छोड़ दिया, इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो सही, अब सबका अलग अलग वो शौक होता है, उसको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है तो वो तो बुलंदियों के सफर पे जा रही है। ठीक है, ये जो छोटी बेटी है उन्हें पहाड़ों पे चढ़ने का और चोटियों को सर करने का बड़ा शौक है। आखिर अमीना सैयद की बेटी है तो बुलंदियों ही की तरफ जाएंगी, जैसे ये बुलंदियों पे है। जी, फिर उनकी फिल्म बनाना, फिर उनकी फिल्म बनाना। डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनाती हैं और ज़बरदस्त काम करती हैं। अच्छा, ये सारी जो मसरूफियात थी अम्मा की जब आप छोटे थे तब भी ये तो क्योंकि वर्किंग वुमेन थी, प्रोफेशनली अपना काम कर रही थी, कभी ऐसा होता था कि ये लगता हो कि यार ये बच्चों की औरों की अम्माएँ तो घर में हैं, हमारी अम्मा गई हुई हैं, ऐसा कोई फील आती थी कभी? नहीं, अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तो हम लोग, एक तो अब्बू भी मतलब घर पे ही, जब अम्मा नहीं होती थी मिस, एक दफा मुझे याद है अम्मा इंडिया गई थी, अम्मा 3 हफ्ते की या 2 हफ्ते के लिए। अच्छा, 2 हफ्ते के लिए। उस वक्त तो मैं कितना, आई थिंक 4-5 साल का था। उस वक्त हमें बहुत याद आई, हाँ, छोटे बच्चों को होता है। लेकिन फिर बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके अलावा नहीं, ज्यादा ज्यादा जाती नहीं थी, मतलब ठीक है, सुबह जाती थी शाम को, और मैं इनके साथ जाती थी, मुझे ले जाती थी साथ ले जाती थी। ये होता है, मुझे जर्मन से स्कॉलरशिप आया और वो 3 मंथ्स का था। आप यकीन करें बच्चे इतना रोए जाने से पहले कि नहीं जा सकी मैं। अच्छा। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो माएं रात में कहीं नहीं जा सकती कि 3-4 दिन को या 1 हफ्ते को कहीं जाए, तो वो कमी फिर बच्चों को लगती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा कंपनी देती थी, टाइम देती थी पूरा। हाँ, जैसे लाहौर में इनका स्कूल विजिटिंग का जॉब था, ठीक है, की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव थी, तो गाड़ी में जाती थी और स्कूल्स विजिट करती, तो मैं भी गाड़ी में इनके साथ सारा दिन जाती, आउटिंग भी रहती होगी, प्रोटोकॉल भी रहता होगा, गाने सिखाती थी अम्मा मुझे गाड़ी में, सही सही, और फिर वो अपना स्कूल विजिट करके आती। ठीक है, कुछ कहना चाहोगी अम्मा के लिए, कोई वर्ड्स, कोई वन वर्ड कुछ अम्मा के बारे में? बस यही है कि बहुत बहुत अच्छी है मेरी बहुत अच्छी है मेरी अम्मा, और ये बहुत ही खालिस एक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, और मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि बच्चे जी जी, बहुत ही आपको आइडियल करें, यही वालदैन की कामयाबी है। और मेरा ख्याल है कि कामयाब वालदैन में से एक कामयाब वालदा से हम आपकी मुलाकात इसीलिए करवा दें कि जो फील्ड में बहुत सारा काम कर रही हैं वो अपने घर में भी बहुत मजबूती के साथ हर रिश्ते को जोड़ के और लेके चल रही हैं। अच्छा शेमा, आप क्योंकि कथक के हवाले से, क्लासिकल के हवाले से बड़ी एक तो एक्सपर्ट है, महारत है, गाती भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत प्यारी है, कोई खूबसूरत सा कुछ हमें भी सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना, मैंने समझा था कि तू है दरख्शां है हयात, तेरा हम है तो हमें दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा
जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। बर्तानिया से आपको मिला, उसमें आपके बड़े कारनामे थे जिन पे आपका वुमेन राइट्स पे भी था, एजुकेशन पे भी था, डेमोक्रेसी, आपने कौन सी सियासत की थी? एक औरत ने आपके लिए आवाज बुलंद की है। जी हाँ, यकीनन हिमाकतें तो बहुत हुई है। खुशामदीद हमारे साथ, जैसे आपको पता ही है कि मौजूद हैं अमिया सैयद। बहुत दिलचस्प बातें हुई, बेटी से भी मुलाकात आपकी कराई और बहुत ही जैसी खुद अच्छी शख्सियत की मालिक हैं, ऐसे ही बच्चे भी इनके बहुत ही भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। बेटी माशाल्लाह आपकी बहुत सुरीली आवाज़ है, आपकी आवाज़ भी यकीन बहुत सुरीली है। बस मेरे ख्याल में सारा सुर तो शेमाई में है। अच्छा, शेमा में ही है, नहीं तो आपके ही पास से गया होगा जो भी गया होगा। नहीं, मेरे ख्याल में बस है, कुदरती है। अच्छा, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे ऑनर्स मिले, इंटरनेशनल भी मिले, पाकिस्तान में भी मिले, क्या समझती हैं सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही मेरे ख्याल में? पहले तो हम थोड़ा सा अवार्ड्स का जिक्र कर लें। अच्छा, चंद खास बड़े बड़े अवार्ड्स आप जरा हमसे शेयर करें अगर तो। जी, एक तो मुझे बर्तानिया की मलका ने दिया था जी, बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जी, बिल्कुल, OBE जिसको कहते हैं। एक फ्रांस की हुकूमत ने दिया था जी, नाइटहुड, नाइटहुड जी। तो बस ये वो जो बर्तानिया से आपको मिला, उसमें आपके बड़े कारनामे थे जिन पे आपका वुमेन राइट्स पे भी था, एजुकेशन पे भी था, डेमोक्रेसी, आपने कौन सी सियासत की थी? जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं की सियासत, बिल्कुल ही कोरी हूँ। फिर ये डेमोक्रेसी का कैसे उसमें शामिल हो गया? ये मैंने खुद भी पूछा कि अच्छा, आप मुझे डेमोक्रेसी का क्यों दे रहे हैं ये OBE? तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि अंग्रेजों ने, कि चूंकि ये आपने इतनी किताबें शाया की हैं सही, जिनकी वजह से जो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इश्यूज हैं सही, उन पे एक एक किस्म का डिबेट शुरू हो गया है सही, तो डेमोक्रेसी का एक ये भी हिस्सा है कि लोग बातों में बहसे मुबाहसा हो और सही, ये बात फैले, तो उनका ये कहना था, उनका ये कहना था। बहुत ही सियासी किस्म का काम किया है डेमोक्रेसी का, ये सिर्फ नहीं है कि आप इलेक्शन लड़े, सिर्फ इलेक्शन ही नहीं होते, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और ये लोगों को पता चलने चाहिए कि जमहूरियत के बहुत सारे मायने हैं। जमहूरियत सिर्फ सियासतदानों तक नहीं है, असल में तो अवाम के लिए है जी जी, और अवाम के मसाइल, अवाम के हुकूक, यही सारी बुनियादी चीजें। आपने बहुत सारा काम किया, आपके इदारे ने जो काम किया, आपकी सरपरस्ती में किया, जिसमें डिक्शनरी के हवाले से बहुत ज्यादा काम हुआ जी जी बिल्कुल। तो वो आपने बच्चों के लिए भी की, हर ग्रेड के हवाले से की है वो? जी हाँ, हमने शुरुआत तो की थी हक्की साहब से, हमने लिखवाई थी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, ठीक है, और वो इस कदर कामयाब हुई। हक्की साहब उस जमाने में कनाडा में रहते थे अपने बेटे के साथ, वो आए थे कराची, बहुत बड़ी हमने उसकी रूनुमाई की थी डिक्शनरी की, बिल्कुल, और उसकी मकबूलियत को देखकर फिर हमने सोचा कि हम बच्चों के लिए भी लाएं डिक्शनरी, तालिब इल्मों के लिए भी लाएं, हर ग्रेड के हवाले से दर्जाबंदी कर दिया आपने? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और जो जो बिल्कुल ही प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हमने एक तस्वीरी डिक्शनरी लाई कि जिसमें मायने के बजाय तस्वीर दी है। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बहुत आसान है बच्चों के लिए। जी, तो ये बहुत कामयाब हुई सारी डिक्शनरी, और साथ साथ एटलस भी पाकिस्तान का शाया किया जी। एटलस भी वो तो मिलता ही नहीं था, एटलस पाकिस्तान का तो, जब हम पढ़ते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, वो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स मिल भी जाते थे तो वो गलत होते थे, अक्सरियत उसमें नक्शे गलत होते थे जी। हाँ, तो ये आपने बड़ा एक कारनामा किया, ये तो बहुत बारीकियों में, ये बहुत बारीकियों में वो। और ये भी बच्चों के लिए भी एक एटलस है, थोड़े बड़े बच्चों के एक और है जी बिल्कुल, फिर बड़ों के लिए एक और, फिर और बड़े बच्चों के लिए। अच्छा, फिर आपने सीरीज बहुत सारी उर्दू में, जो उर्दू की किताबें थी जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती थी, वो बड़ी दिलचस्प कहानियों में आपने शाया करनी शुरू की, और एक नया अंदाज नजर आया जी। ये आइडियाज आपके अपने जहन में थे, या आपको ये था कि आपको इस तरह का एक सिस्टम के तहत एक ऑर्डर था कि ये काम करने, ये आउटलाइंस है, या ये आपके अपना आइडिया था? जी, असल में ये मुझे बहुत पहले से एहसास था। अच्छा, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको अंग्रेजी की किताबें तो मिल जाती हैं, अच्छी 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 मियारी किताबें,
लेकिन उर्दू में दिलचस्प किताबें और खूबसूरत रंग बिरंगी किताबें सलीस उर्दू में नहीं जी, वो नहीं मिलती उनके लिए रीडर्स हों और या एक्टिविटी बुक्स हों। बिल्कुल, तो वो फिर हमने काफी यहाँ शाय की कई। अच्छा। हमने ऑक्सफर्ड उर्दू सिलसिला एक है। बिल्कुल, और ऑक्सफर्ड उर्दू का गुलदस्ता है। उर्दू का गुलदस्ता बहुत ही छोटे बच्चों के लिए वो कहानियां हैं। बिल्कुल, अब तो वो बढ़ते बढ़ते अब समझिए कि आठवीं क्लास के बच्चों तक के लिए है। बड़ी क्लास मतलब ढाई साल से शुरू करके जी जी कोई 13-14 साल के बच्चों तक। अच्छा, तो वो अगर ये पूरी सीरीज अगर शुरू से पढ़े तो इसमें एक्टिविटी बुक्स भी हैं, रीडर्स भी हैं और अच्छा, और आपने बड़े राइटर्स की भी किताबें शाई की हैं। जी जी, रिसर्च बुक्स भी आपने, तो आप इस तरह जो हमारे यहाँ के अदीब हैं, लिखने वाले हैं, उनको भी आपका इदारा सपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, एक तो हमारी है उर्दू विरसा सीरीज। अच्छा, जिसमें हमने जहरा निगाह की शायरी शाई की है, किशोर नाहिद, फहमीदा रियाज, अच्छा, परवीन शाकिर, और फिर गालिब। तो ये सारी खवातीन की क्यों की है? जी नहीं, इनके बस मुझे नहीं, अमीना सैयद उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं, अभी मुनीर जालिब साथ जाती ना कीजिएगा, वैसे उनकी भी कुछ किताबें छपनी चाहिए। अभी जालिब की है, मुनीर जालिब की है। ये एक औरत ने आपके लिए आवाज बुलंद की है, तमाम मर्दों के लिए, ठीक है। अच्छा, हबीब जालिब साहब की जी, उनकी भी की है। अच्छा, मुनीर नियाजी, और फिर पुराने गालिब की भी हमने की है, हाली और इन सब की है। पुराना जो विरसा है उसको आपने बिल्कुल रिवाइवल उसका हुआ जी, बिल्कुल नई किताबें, नई शक्ल, नई तबात, ये सारे सिलसिले, और अब सस्ती, बिल्कुल सस्ती हैं। अच्छा, छोटी छोटी किताबें हैं, सब जगह अवेलेबल है, हर जगह मिलती हैं, और बहुत वो उनकी बहुत मकबूलियत हुई है किताबों की। अच्छा, आपने अभी एक फेस्टिवल भी किया लिटरेसी के हवाले से, जी जरा उसका अगर हम जिक्र करें, क्योंकि आप उसकी फाउंडर हैं। जी, और ये बड़ा कारनामा है आपका, 2013 से आपने शुरू किया गालिब। 2010 से, तो ये इस साल हमारा सातवां हुआ था। अच्छा, सातवां कराची लिटरेचर फेस्टिवल। जी बिल्कुल, और इसमें आपको यकीन नहीं आएगा, पौने दो लाख लोग आए तीन दिन में। जी हाँ, बड़ा कारनामा है ये, वही कराची वाले तो बड़े जिंदा दिल लोग हैं। बहुत जिंदा दिल हैं जी, और अहले इल्म भी हो गए हैं। बिल्कुल, ये खुशी की बात है। और आपको हैरत होगी कि लियारी से लोग आए, लियाकताबाद से आए, और सोहराबगोट से आए, हर क्लास के लोग मौजूद थे, हर किस्म के, हर उम्र के बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, और कुछ लोग व्हील चेयर में आए। का एहतमाम भी रखा जी, मुशायरा हुआ था वहाँ बहुत बड़ा, उर्दू की फिल्म दिखाई थी मंटो, ठीक है, और जहरा निगाह तशरीफ लाई थी। अच्छा, किशोर नाहिद भी थी, फहमीदा रियाज, ये सब वहाँ सब मौजूद थे, और मसूद अशर तशरीफ लाए थे, सिंधी में अमर जलील साहब आए थे, बड़ा नाम, पूरे सिंध से लोग आए थे। अच्छा, और कुछ पंजाब से भी आए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और ये आपका ही एक आइडिया था जिसको आप लेके चली, और चिल्ड्रन से आपने शुरू किया ये फेस्टिवल? नहीं, शुरू तो इससे हमने किया। अच्छा। इसके बाद हमने सोचा की हमें बच्चों से शुरू करना चाहिए, ठीक है, तो अब हमने बच्चों का भी शुरू कर दिया, वो भी हो रहा है। और मेरे ख्याल में एक कराची की तारीफ है कि तीन दिन मुस्तकिल लोग आते रहे और हिस्सा लेते रहे एक भरपूर तरीके से, ठीक है, और बहुत आराम से ये साथ हो चुकी हैं। और पुरसुकून, पुरसुकून माहौल में पैगाम है, कराची में बहुत पुरसुकून, पुरअमन माहौल में बहुत सारे काम हो रहे हैं, अगर आप देखने वाली निगाह रखते हैं तो। जी, खास तौर पे सकाफती सरगर्मियां इस कदर हो रही हैं। अच्छा, किसी चीज पे कभी बहुत शदीद गुस्सा आता है तो क्या रिएक्शन देती हैं? जब मुझे गुस्सा आता है जी नहीं, आता तो है यकीनन, चूंकि एक फितरी इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, लेकिन मैंने ये सीखा है कि गुस्सा जाहिर करने से या एकदम से अब कंट्रोल अगर ना हो, इससे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। अच्छा। बल्कि उल्टा वो असर होता है इसका। सही, तो आपका कोई फायदा ही नहीं है, जो कंट्रोल कर लेती हैं। जी, करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि ये मैं बार बार ये एहसास और ये मैंने सीखा है कि जैसे मैंने कहा उल्टा असर होता है, तो फायदा क्या? सही, कोई आइडियल रहा जिंदगी में? आइडियल मेरे ख्याल में राइटर्स रहे हैं, और यकीनन कुर्रतुल ऐन हैदर को मैंने बहुत एडमायर किया हमेशा, और एक नहीं, मैं बहुत लोगों को एडमायर करती। अच्छा, मुनी जमीन न्याजी को मैं बहुत एडमायर करती थी। बिल्कुल, आये रहमान, सही, और डॉक्टर अख्तर हमीद खान, अब्दुल सत्तार एदी, मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है बड़े लोगों की, बहुत बड़े लोग, और उनको हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, और
कोशिश करनी चाहिए हम भी उनकी तरह हो जाए। कोई हिमाकत हुई जिंदगी में जो यादगार किस्म की? अच्छा। वो बाद में बड़ा सोचा कि ये हो क्या गया मुझसे। जी हाँ, यकीनन हिमाकतें तो बहुत हुई हैं। अच्छा। लेकिन इस वक्त मैं सोच रही हूँ कौन सी यादगार कौन सी बड़ी थी। जी हाँ। सोचना पड़ेगा, जरा सोचना पड़ेगा। अच्छा चलिए। अच्छा, कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है जिंदगी में? नहीं, मेरे ख्याल में रिग्रेट इतना ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन अफसोस मुझे ये है कि इतनी हमने किताबें शाये की बच्चों के लिए, लेकिन 2 करोड़ बच्चे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल ही नहीं जाते हैं, सड़कों पे फिरते हैं, उनके लिए तो किताबें तो आती नहीं किताबें। तो बस ये मेरा ख्वाब है किसी तरह ये बच्चे आ जाएं स्कूल में, स्कूल में और जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो स्कूल और बेहतर हो जाए। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी में है। बिल्कुल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी में। बहुत सारी बातें करते हैं हम आपके साथ, हमने की भी हैं प्रोग्राम में। हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर। जी जी। आपको पता होगा बिल्कुल। तो हम ये रैपिड फायर आपके साथ भी खेलेंगे। अच्छा। और आप तो माशाल्लाह अहले इल्म में, यकीनन उसके बेहतरीन जवाब होंगे। करें शुरू? जी जरूर। मोहब्बत। मोहब्बत से मेरे ख्याल में मोहब्बत के बगैर रहना मुश्किल है। सही। सियासत। सियासत हर जगह मौजूद है। ठीक है, इसके भी बहुत पहलू हैं। इसके भी बहुत पहलू हैं। उर्दू। उर्दू बहुत ही खूबसूरत जबान है, और जो उर्दू में जो अदब है मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार अदब है और बहुत अदीब है उर्दू के। सही। बारिश। बारिश काश कराची में और होती। काश कराची में और होती। रिक्शा। रिक्शा तो एक बेहतरीन सवारी है। बेहतरीन सवारी। जी हाँ, मेरे ख्याल में बेहतरीन सवारी है। मैंने बहुत मैं रिक्शाओं में फिरी हूँ, खासतौर पर जब स्कूलों में थी। ठीक है। उम्मीद। उम्मीद तो होनी चाहिए सबके, मतलब दिल में और सीने में, ये तो बहुत, उम्मीद के बगैर तो जीना मुश्किल है। ठीक है। हकूक। राइट्स। हकूक सबको एहसास होना चाहिए, और मेरे ख्याल में आगे ही होनी चाहिए हकूक की, उनके क्या क्या हकूक हैं, बहुत जरूरी। सबको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। माँ। माँ के पांव तले जन्नत। माँ के पांव तले जन्नत, बेशक। किताब। किताब एक दोस्त है मेरे ख्याल में। किताब अगर आपके पास अगर आप हो तो आप कभी तन्हाई का शिकार नहीं बनेंगे। ठीक है। गंदगी। जिंदगी हमारे पास एक ही होती है, और इसीलिए हमें वो करना चाहिए जिससे हमें खुशी होती है। ठीक है। कराची। कराची तो समझिए कि मेरे लिए दुनिया में एक बहिश्त है। बहिश्त, बिल्कुल। कराची एक बहुत ही बहिश्त, एक जन्नत वाकई, और ये हमारा, इसको हमें रखना है, इसको संवारना है, संवारना है। सबसे आखिर में अमीना सैयद। अच्छा, बताइए। नहीं, मैं तो एक बहुत ही मामूली सी इंसान हूँ, मुझे अच्छे मौके मिल गए, अच्छे साथी मिल गए। ठीक है, तो काम चल गया। सही। अपनी तमाम अचीवमेंट्स को, अपनी तमाम कामयाबियों को, जिंदगी की तमाम मामलात को क्रेडिट किसको देंगी? मेरे ख्याल में एक किसी का नाम मैं नहीं ले सकती। सही। लेकिन जिन लोगों से, जिन लोगों के, मेरे ख्याल में अपने वालदैन का भी मैं यकीनन नाम लूंगी। अव्वलीन तो वालदैन। जी हाँ, यकीनन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दी वो उसी से मेरे ख्याल में मैं हूँ जो भी हूँ। लेकिन मेरे मेरी फैमिली, बच्चे, मियाँ, इनसे बेहद सपोर्ट मिली। सही। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझसे नहीं शिकायत की गई कि आप क्यों नहीं थी, या घर इतना साफ जितना होना चाहिए नहीं था, या कोई चीज़ शायद खाना इतना अच्छा नहीं, कोई किसी किस्म के, अच्छा, इस किस्म की मुझसे गिले शिकवे नहीं किए गए, जिसकी वजह से मैं सपोर्ट किया आपके करियर को, और जो भी मेरी खामियां थी वो एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट की। सही। चलते चलते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है कराची वाले, हम बात करते हैं कराची की और कराची वालों की। कोई पैगाम देना चाहेंगी कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए? जी, मैं कराची के आवाम से ये कहूँगी कि ये आपका शहर है, और इसका बहुत ख्याल रखें, और ये ना सोचें कि हर काम हुकूमत करेगी। आप अपने दायरे में जो भी आप कर सकते हैं कराची के लिए, आप करें।
सफाई रखें, अमन रखें, और ये ना सोचें कि ये कहाँ के लोग हैं, ये सिंधी हैं या पंजाबी हैं। कराची में तो आपको पता है लोग कहते हैं छोटा सा पाकिस्तान है कराची, मिनी पाकिस्तान। तो इसको लोगों को अपनाएं और शहर को अपनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, कीमती वक्त था आपका, और आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बहुत मालूमात मिली, और यह हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी। बहुत ही काबिल फ़ख्र लोग हैं, और ऐसे लोगों को अगर हम अपना मॉडल बना लें, रोल मॉडल बना लें, तो यकीनन बहुत सारे हमारे मसाइल वैसे ही हल हो सकते हैं। तालीम बहुत ज़रूरी है, जिस तरह अमीना जी ने कहा कि वो बच्चे, जो 2 करोड़ बच्चे हमारे मुल्क के तालीम से महरूम है, स्कूलों में नहीं जाते हैं, हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर उन 2 करोड़ में से हम 2 बच्चों को भी स्कूल तक पहुंचा दें, तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो जाएगा। कोशिश करें, कोशिश करने से यकीनन मंजिलें मिल जाती हैं, छोटी छोटी काविशें यकीनन एक बड़े नतीजे की तरफ हमें लेके जाएंगी, और इस मुल्क को बहुत ही बेहतर और एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क के शक्ल में दुनिया के नक्शे पे पेश कर सकेंगी। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।